गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल माइक्रोबायोलॉजी एकेडमी बाय संतोष नक्ते। फ्रेंड्स, लास्ट वीक में मैंने एक यूजीसी गाइडलाइंस के बारे में एक वीडियो अपलोड किया था और उसमें बताया था कि आज नहीं तो कल यूजीसी के रिवाइज गाइडलाइंस रिलीज हो जाएंगे और कल 6 तारीख को यूजीसी ने अपने एग्जामिनेशन के बारे में और एकेडमिक कैलेंडर के बारे में न्यू गाइडलाइंस रिलीज किए। तो आज वो गाइडलाइंस क्या है, क्या क्या उन्होंने डिसाइड किया है, तो ये छोटे से वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और उससे पहले एक होम मिनिस्टर का हायर एजुकेशन सेक्रेटरी को लेटर भी आया है जिसमें उन्होंने परमिशन दी है यूनिवर्सिटीज़ को, इंस्टीट्यूशंस को, कि वो फाइनल ईयर की एग्जाम्स कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये गाइडलाइंस क्या है, होम मिनिस्टर का जो लेटर है हायर एजुकेशन सेक्रेटरी को, उसमें उन्होंने क्या लिखा है, तो ये थोड़े से शॉर्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ और आपका जो भी कन्फ्यूजन है, सो आई विल ट्राई टू क्लियर दैट कन्फ्यूजन। और आपको ये भी ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स कि अभी जो भी डिसाइड हुआ है, क्योंकि अभी तक आपके मन में पूरा कन्फ्यूजन है और था, उसके बाद अभी थोड़ा सा यूजीसी गाइडलाइंस कल जो रिलीज हो गए, ये आप सुनने के बाद आपका जो कन्फ्यूजन है थोड़ा सा दूर हो जाएगा। और ये भी आपको ख्याल में रखना है कि एग्जाम्स हमें अपीयर करना है, एग्जाम्स को हमें अपीयर होना है। सो आपको एक्सेप्ट करना है कि चलो अभी एग्जाम हमें फेस करनी है, और अगर आप ये एक्सेप्ट करेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा। सो कीप इन माइंड दैट। सो जस्ट आई विल एक्सप्लेन what are these guidelines, what is that written in that home minister letter, that minister letter. So let's see in short. तो पहले मैं आपको होम मिनिस्टर का जो लेटर आया है एजुकेशन सेक्रेटरी को, हायर एजुकेशन सेक्रेटरी को, ये लेटर है वहाँ पे, तो उन्होंने यहाँ पे लिखा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन अ लेटर टू इंडियन हायर एजुकेशन सेक्रेटरी टूडे परमिटेड कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस। मतलब उन्होंने परमिशन दी है कि यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशंस अभी एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं, एंड द फाइनल टर्म एग्जामिनेशंस आर टू बी कंपल्सरी। मतलब उन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो भी फाइनल ईयर के एग्जाम्पल्स है वो कंपल्सरी है, एंड दैट शुड बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द यूजीसी गाइडलाइंस ऑफ एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर। और उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो भी एग्जाम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में कंडक्ट हो जाएंगे, वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के थ्रू ही कंडक्ट होने चाहिए। मतलब चाहे जो भी रिलीज हुई है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, या उसे हम एसओपीज बोलते हैं, दैट आर रिलीज बाय और अप्रूव्ड बाय इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये होम मिनिस्टर होम अफेयर्स का लेटर है जो उन्होंने हायर एजुकेशन सेक्रेटरी को सेंड किया है। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोला है कि कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस या फिर यूनिवर्सिटीज एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं, एंड दैट शुड बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द यूजीसी गाइडलाइंस एंड अकॉर्डिंग टू द एसओपीज विच आर अप्रूव्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये एक हो गया होम अफेयर्स का लेटर जो उन्होंने परमिशन दी है यूनिवर्सिटीज को, इंस्टीट्यूशंस को एग्जाम्स कंडक्ट करने की। उसके बाद रिलीज हुए यूजीसी गाइडलाइंस, तो ये रिवाइज यूजीसी गाइडलाइंस है, क्योंकि पहली गाइडलाइंस जो आई थी यूजीसी की वो आए थे 29 अप्रैल को, और उन्होंने वहाँ पे उस गाइडलाइंस में बोला था कि जो एकेडमिक ईयर है, एग्जाम्स जो है वो पूरे के पूरे एग्जाम्स जुलाई में होने चाहिए, और उसके बाद सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर की जो लेक्चर्स है, जो एकेडमिक ईयर है, वो अगस्त में शुरू होना चाहिए, और फ्रेशर कैंडिडेट्स जो है दैट इज फर्स्ट ईयर, उसका उनका एकेडमिक ईयर सितंबर से शुरू होना चाहिए। ये उन्होंने बोला था यूजीसी गाइडलाइंस जो 29 अप्रैल को रिलीज हुए थे उसमें। उसके बाद ये COVID-19 पैंडेमिक मतलब चलता ही रहा है, कुछ कम नहीं हो रहा है, सो इट वाज नेसेसरी टू रिवाइज दैट गाइडलाइंस। तो बाद में हरियाणा वाइस चांसलर, हरियाणा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर रमेश चंद्र कुहाड़, इनके अंडर एक कमिटी फॉर्म हुई थी और उन्होंने ये नए गाइडलाइंस रिलीज किए। तो ये जो गाइडलाइंस है, इन्होंने यहाँ पे क्लियरली बोला है
कि परमिशन देने के बाद बाद में जो गाइडलाइंस रिलीज हुए कल 6 जुलाई को, उन्होंने स्टूडेंट्स के बारे में ये सोचा है कि क्योंकि कौन सी भी एग्जाम हो, कौन सी भी एजुकेशन सिस्टम है, उसमें स्टूडेंट्स का इवेल्यूएशन बहुत इम्पोर्टेंट है. सो दिस इवेल्यूएशन जो रहेगा वो एग्जाम्स के थ्रू होता है हमारे, मतलब हर एक जगह पे. सो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू कंडक्ट दैट एग्जामिनेशन. और ये ख्याल में रख के उन्होंने फाइनल ईयर के एग्जाम्स कंपल्सरीली होनी चाहिए, ये उन्होंने नए यूजीसी गाइडलाइंस में बताया है. सो इन शॉर्ट वी विल सी दैट कि व्हाट आर दीज न्यू यूजीसी गाइडलाइंस, जो भी कल रिलीज हुए उसमें क्या क्या लिखा है, क्या क्या गाइडलाइंस है, दैट वी विल सी हियर. सो इन्होंने यहाँ पे कहा है कि द टर्मिनल सेमिस्टर और फाइनल ईयर एग्जामिनेशंस बी कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस बाय द एंड ऑफ सितंबर 2020 इन ऑफलाइन, दैट इज इन पेन एंड पेपर मोड और ऑनलाइन मोड और बाय और थ्रू ब्लेंडेड मोड, दैट इज ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन. तो यहाँ पे ये बोला है कि उन्होंने फाइनल ईयर के, फाइनल सेमिस्टर के जो भी एग्जामिनेशन है वो सितंबर 2020 के एंड तक होने चाहिए. एंड दे हैव गिवन द ऑप्शंस फॉर एग्जामिनेशन. पहला ऑप्शन है ऑफलाइन मोड, दैट इज थ्रू पेन एंड पेपर. सेकंड ऑप्शन जो है वो है ऑनलाइन मोड. एंड तीसरा ऑप्शन जो उन्होंने बोला है वो है ब्लेंडेड, मतलब ऑनलाइन भी एंड ऑफलाइन भी. उसके बाद सेकंड जो बोला है यहाँ पे कि द स्टूडेंट्स ऑफ टर्मिनल सेमिस्टर और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैविंग बैकलॉग should compulsorily be evaluated by conducting examinations in offline, online or blended mode as per feasibility and suitability. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन था कि बैकलॉग के बारे में क्या डिसीजन हुआ है, क्योंकि अभी तक बैकलॉग के बारे में कोई भी डिसीजन नहीं था. लेकिन यहाँ पे डिसीजन ये आ गया है कि उनका अगर बैकलॉग है तो उन्हें भी कंपल्सरिली उनका भी इवेल्यूएशन होना चाहिए बाय कंडक्टिंग examinations एंड अगेन बाय 3 different मोड्स. और 3 मोड्स है ऑफलाइन, दैट इज पेन एंड पेपर, ऑनलाइन एंड ब्लेंडेड. देन लेटर ऑन अगर इन केस ऑफ स्टूडेंट ऑफ टर्मिनल सेमिस्टर और फाइनल ईयर इज अनेबल टू अपियर इन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी फॉर व्हाटएवर द रीजन मे बी, ही शी मे बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू अपियर इन स्पेशल एग्जामिनेशन फॉर सच कोर्स और पेपर्स which may be conducted by universities as and when feasible. तो ये भी उन्होंने मतलब अपॉर्चुनिटी दी है स्टूडेंट्स को कि अगर कुछ रीजन की वजह से, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स पैंडेमिक की वजह से अपने गांव गए हैं, तो वहाँ पे वो उनको मतलब एग्जाम के वक्त वो आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, ऐसे रीजन में अगर कुछ वो एग्जाम नहीं दे सकेंगे या फिर नहीं दे सके, तो उन स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जब भी एग्जाम्स पॉसिबल हो जाएंगे, एंड दैट इज बाय द यूनिवर्सिटीज एज वेल एज बाय कॉलेजेस. तो स्टूडेंट्स को मतलब वरी करने की जरूरत नहीं है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे कंडीशन में वो एग्जाम नहीं दे सकेंगे, नहीं दे पाएंगे, तो उनको चांस दिया जाएगा. सो डोंट वरी अबाउट दैट. देन नेक्स्ट इज द गाइडलाइंस रिगार्डिंग इंटरमीडिएट सेमेस्टर और ईयर एग्जामिनेशन as notified on 29/4/2020 will be remain changed. क्योंकि अभी कल जो गाइडलाइंस रिलीज हुए वो ज्यादातर फाइनल ईयर, फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को ख्याल में रख के किए गए है. और उसके पहले जो 29 अप्रैल को जो गाइडलाइंस रिलीज हुए थे, जिसमें जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर है या फिर ईयर इंटरमीडिएट ईयर है उनके एग्जाम नहीं होंगे या फिर उनको प्रमोट किया जाएगा, ये उस 29 अप्रैल के गाइडलाइंस में है. और ये गाइडलाइंस इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, दैट विल रिमेन अनचेंज्ड. एंड लास्ट में उन्होंने बोला है कि इफ नीड बी द रिलेवेंट डिटेल्स पर्टेनिंग टू द एडमिशन एंड एकेडमिक कैलेंडर इन द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस शैल बी इशूड सेपरेटली इन प्लेस ऑफ दोज मेंशन इन द अर्लियर गाइडलाइंस इशूड ऑन 29 अप्रैल 2020. मतलब अगर कुछ चेंज हो गया अकॉर्डिंगली जो मेंशन किया गया है 29 अप्रैल 2020 के गाइडलाइंस में, तो उसमें अगर कुछ चेंज हो गया है तो वो सेपरेटली रिलीज किए जाएंगे, सेपरेटली मेंशन किया जाएगा. तो स्टूडेंट्स अभी ये कल के गाइडलाइंस है, जो रिवाइज गाइडलाइंस है पूरे यूजीसी रिवाइज गाइडलाइंस ऑन एग्जामिनेशंस एंड एकेडमिक कैलेंडर
फॉर द यूनिवर्सिटीज इन व्यू ऑफ COVID-19 पैंडेमिक। सो आपको ख्याल में रखना है ये जो अभी मैंने शॉर्ट में अपने बताया है, या फिर आपको कन्फ्यूजन इसमें कुछ नहीं रहेगा, फिर भी अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो यू कैन कमेंट ऑन दिस चैनल, सो आई विल ट्राई टू गिव द आंसर और आई विल ट्राई टू क्लियर यूर कन्फ्यूजन। सो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी, चाहे वो एग्जाम के बारे में हो चाहे वो सब्जेक्ट के बारे में हो, दैट विल बी अपलोडेड ऑन दिस चैनल ओनली। सो कीप इन टच एंड गेट अपडेटेड रिगार्डिंग दैट एग्जामिनेशन और एकेडमिक कैलेंडर और एकेडमिक शेड्यूल एज वेल एज रिगार्डिंग सब्जेक्ट नॉलेज, माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट नॉलेज। थैंक यू वेरी मच एंड बी रिलैक्स्ड एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। फर्स्ट एक्सेप्ट ऑल दिस थिंग्स, देन इट विल गोज वेरी इजी टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स। थैंक यू।